हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अभिक्रिया का वेग, उसके प्रकार, और अंत में डिस्कस किया था अभिक्रिया वेग और स्टोइकोमेट्रिक गुणांक में संबंध। मतलब आपको रिएक्शन दी गई है तो आपको उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अभिक्रिया का वेग को याद करने का सूत्र डिनोट करना होता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो गुणांक होते हैं वो हमेशा भाग में जाते हैं, क्योंकि हमेशा अभिक्रिया मोल प्रति मोल में ज्ञात किया जाता है। तो उस एक मोल के लिए जो गुणांक होते हैं हमेशा भाग में जाते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब आज हम कुछ फैक्टर पढ़ेंगे जो अभिक्रिया वेग को अफेक्ट करते हैं, जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है या घट जाता है। लिखो सामने, ध्यान सुनना। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित होता है। मैं नाम लेता हूँ, पहला अभिकारक की सांद्रता। कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। पहला है अभिकारक की सांद्रता, दूसरा है उत्प्रेरक, तीसरा है बच्चों दाब, फोर्थ है विकिरण प्रभाव, फिफ्थ है माध्यम की प्रकृति। माध्यम मतलब ध्रुवीय या अध्रुवीय। छठा है अभिकारक, अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और लास्ट है सेवंथ है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताप, ताप का प्रभाव। ठीक है, तो कुछ पॉइंट है जो अपन डिस्कस करेंगे, जिनकी उपस्थिति से अभिक्रिया वेग तो घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, हमारा आज का टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो अभिक्रिया वेग को अफेक्ट करते हैं। पहला है अभिकारक की सांद्रता, सेकंड है उत्प्रेरक, थर्ड है दाब प्रेशर, फोर्थ है विकिरण प्रभाव, फिफ्थ है माध्यम की प्रकृति, छठा है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लास्ट है ताप का प्रभाव। अपन मन में डिस्कस करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट पढ़ा रहा हूँ मैं, अभिकारक की सांद्रता। अब आप जानते हो स्टूडेंट्स, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। तो जो उत्पाद के बनने की दर है, जो उत्पाद बनेगा उसको वह डिपेंड करेगा अभिकारक की सांद्रता पर। अभिकारक की सांद्रता जितनी कम होगी उत्पाद भी उतना ही कम बनेगा। यदि अभिकारक की सांद्रता जितनी अधिक लोगे आप अभिक्रिया में, तो उत्पाद बनने की दर बढ़ जाएगी, अर्थात अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। क्योंकि उत्पाद बनने की दर क्या होती है, अभिक्रिया का वेग। कि तुम जानते हो अभिक्रिया वेग क्या होता है, समय के साथ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। अब जानते हो समय के साथ अभिकारक सांद्रता में क्या होती है बच्चों, कमी, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, वृद्धि। तो जितना ज्यादा अभिकारक लोगे अभिक्रिया के लिए उतना ही उत्पाद अधिक बनेगा। तो अपन बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर उत्पाद के बनने की दर बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी घट जाता है। ठीक है फ्रेंड, बिल्कुल आसान फैक्टर है, अभिकारक जितना ज्यादा होगा उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा। ठीक है, अपन बोल सकते हैं अभिक्रिया का वेग, बच्चों में संबंध बता रहा हूं, संबंध क्या होगा, अभिक्रिया का वेग प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, ये आसान फैक्टर था, आप इसे नोट कर लीजिए, अभिकारक की सांद्रता मैंने बता दिया। सिंपल, जब भी कोई रिएक्शन करते हो अभिकारक के मोल जितने ज्यादा होंगे उत्पाद के मोल उतने ज्यादा बनेंगे। मतलब उत्पाद बनने की दर
डिपेंड करती है अभिकारक की सांद्रता पर, ठीक है। तो जितना ज्यादा अभिकारक होगा अभिग्रह वेग उतना ही अधिक होगा, ठीक है। अब अगला पढ़ेंगे, दूसरा प्रभाव है उत्प्रेरक, ठीक है, कैटलिस्ट। बड़ा उत्प्रेरक की परिभाषा जानते हो, उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। और एक बात और बेटा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का मार्ग भी बदल जाता है, मतलब अभिक्रिया आसान हो जाती है, उसका पथ भी बदल जाता है, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं अगला सेक्टर, सेकंड नंबर। सेकंड है उत्प्रेरक कैटलिस्ट। पहले अपन पढ़ लेते हैं उत्प्रेरक की परिभाषा। आप जानते हो ऐसे पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जिनकी उपस्थिति में, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है। सिंपल परिभाषा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनकी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं कहलाते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से लेना, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को कम कर देते हैं, अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा जिसे बोलते हैं बच्चों इंग्लिश में एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी प्रतीक ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा को कम कर देते हैं। अभी ऊर्जा क्या होती है, मैंने पहले बात बताई थी आपको सिर्फ लास्ट टू वीडियो में कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणु को उत्पाद बदलने के लिए आवश्यक होती है, मतलब जिन अभिकारक अणु के पास ये ऊर्जा होती है वही उत्पाद में बदलते हैं। तो ये क्या करते हैं उत्प्रेरक इस ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, जितना बड़ा मान होगा अभिकारक उत्पाद को उतना ही लेट बदलेगा क्योंकि उसके पास ही ऊर्जा होनी चाहिए तब बदलेगा उत्पाद में। लेकिन उस ऊर्जा का मान बहुत कम हो, इस ऊर्जा का मान बहुत कम हो तो अभिकारक अधिक और जल्दी उत्पाद भी बदल जाएंगे। सीधा सा एग्जाम्पल है, किसी एग्जाम को पास करने के लिए आपको 50 नंबर चाहिए, ठीक है, किसी एग्जाम को आपको पास करने के लिए 50% नंबर चाहिए और मैं उस मान को कम कर दूँ, माना मैं आपको बोलूँ उस एग्जाम को पास करने के लिए आपको 30% नंबर चाहिए, तो बताओ ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ पास होंगे, 50 या 30 में? सिंपल सी बात 30 में, क्योंकि 30 का मान कम है और 50 का मान ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ही ऊर्जा जितनी ज़्यादा होगी अभिकारक उतना ही उत्पाद में लेट बदलेगा या कम बदलेगा, लेकिन इस ऊर्जा के मान को कम कर दूँ तो अभिकारक जल्दी उत्पाद में बदल जाता है और अधिक संख्या में अभिकारक उत्पाद में बदलेंगे, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तथा अभिक्रिया का मार्ग भी परिवर्तित हो जाता है। मार्ग से मतलब है रास्ता बदल जाएगा, जो रास्ता आपको वहां तक पहुंचाने में रास्ता बढ़ा था, समय अधिक लग रहा था,
अब उस पेड़ की परछाई इसमें शोर कट मतलब रास्ता बदल जाएगा, अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस पेड़ की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है तथा अभिक्रिया का मार्ग तक बढ़ते जाता है। कारण मनुष्य कारण आपको आना चाहिए क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा अंडरलाइन कर रहा हूं, आपके इंपोर्टेंट है, सक्रिय ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, तो दो फैक्टर हो गए, उत्प्रेरक और कहलाता अभिकारक की सांद्रता। आप इसे नोट कर लीजिए, अपने ग्राफ लोड करेंगे, उस ग्राफ की सहायता से भी हम उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अभिक्रिया वेग बढ़ता हुआ देखेंगे। ठीक है, आप इसे नोट करो। आगे चलते हैं, ग्राफ लोड करेंगे अपन और खुद परिस्थिति प्रेजेंस में देखेंगे अभिक्रिया वेग कैसे बढ़ जाता है, अभिक्रिया का रास्ता कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो देखो ग्राफ खींचते हैं, अब आपको पता है हमेशा ग्राफ खींचते हैं दो अक्ष के मध्य एक्स और वाई। ग्राफ लोड कर रहा हूं मैं, वाई अक्ष पे है अभिक्रिया की ऊर्जा, जब हम बोल सकते हैं सक्रिय ऊर्जा, और यहाँ पर है अभिक्रिया की प्रकृति या मार्ग, अभिक्रिया का मार्ग। ठीक है, अब बात करें स्टार्टिंग में, जब उत्प्रेरक की एब्सेंस हो, उत्प्रेरक अनुपस्थित है, तो अभिक्रिया कैसे होगी? माना कि आपके लिए कोई कारक है, यह विकार है उत्पाद बदल जाता है, तो आपको ऊर्जा लेनी पड़ेगी। माना यह विकार है इसलिए ऊर्जा लेके उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात रखना हमेशा, उत्पाद का लेवल ऊपर होगा, अभिकार नीचे होगा, क्योंकि अभिकार में अणु की ऊर्जा ज्यादा होती है, उत्पाद की कम होती है। ठीक है, अब माना अभिकार कितनी ऊर्जा ग्रहण करके उत्पाद बन जाता है। अब जो ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, जो लेवल था ऊर्जा का, वो क्या है? सक्रिय ऊर्जा E A 1। ये बच्चों ऊर्जा है उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति। अब आप जब उत्प्रेरक की प्रेजेंस में अभिक्रिया करोगे तो क्या होगा? जो ऊर्जा रिक्वायर्ड थी, जो रिक्वायर्ड एनर्जी थी, जो आवश्यक ऊर्जा थी न्यूनतम, उसका मान कम हो जाएगा, तो अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाएगी। देखो उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ जाता है, क्योंकि उत्प्रेरक उस अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं, सक्रिय ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप ग्राफ के अकॉर्डिंग समझोगे तो अभिकारक को उत्पाद बदलना होता है, तो अभिकारक उत्पाद को जो ऊर्जा ग्रहण करके बदलेंगे उसका मान को बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा। जब आप इसी अभिक्रिया को उत्प्रेरक की प्रेजेंस में करते हो तो ऊर्जा का मान कम हो जाता है, इसलिए अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। एक बात रिपीट कर रहा हूँ, उत्पाद का लेवल हमेशा नीचा है, सॉरी मैंने बताया था ऊर्जा कम होती है इसलिए लेवल थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एक ग्राफ आप नोट कर सकते हो, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की प्रेजेंस अभिक्रिया की वेग बढ़ देती है,
क्योंकि उस प्रेरक की उपस्थिति उस अभिक्रिया के लिए सक्रिय रोधक मान को कम कर देते हैं। और अगर आप जब प्रोटोन होंगे तो अभिकारक उत्पाद पहले ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अभिकारक की ऊर्जा ज्यादा होती है और उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। मतलब अभिकारक को इतनी ऊर्जा पार करके जब आएगा तो ऊर्जा उसमें कमी होगी, ऊर्जा का लोस हो जाएगा, इसलिए उत्पाद का लेवल हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट पढ़ेंगे तीसरा, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब की प्रेजेंस में अभिकारक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अपन नोट कर लिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अपन। तीसरा प्रभाव है दाब पी। अब दाब की सिंपल बात करें, दाब बढ़ाने पे क्या होगा, जब आप किसी पात्र में माना का अभिकारक अणु गैसीय प्रकृति का है और गैसीय प्रकृति पर दाब का प्रभाव होता है और द्रव्य अणु पर दाब का प्रभाव होता है, लेकिन जो पदार्थ अभिकारक ठोस अवस्था में उनमें दाब का प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ठोस असंपीड़ित होता है लेकिन गैस संपीड़ित होती है। तो आप किसी गैसीय अभिकारक पर जब दाब लगाओगे तो दाब लगाने से क्या अभिकारक अणु पास पास आएंगे, जल्दी रिएक्शन होगी, जल्दी अभिक्रिया होगी, तो उत्पाद जल्दी बनेगा। अपन बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों पर दाब का मान बढ़ाने पर इकाई आयतन में अभिकारक या सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाती है, सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा अभिकारक अणु के मध्य टकरावर्त का मान बढ़ जाएगा और उत्पाद जल्दी बनेगा। तो सिंपल सी बात है, अभिकारक की प्रेजेंस में भी अभिक्रिया का वेग घट जाता है। अपन लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैसीय अभिकारकों पर दाब का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पहले के बच्चों, क्योंकि दाब बढ़ाने पर इकाई आयतन में सक्रिय मतलब एक्टिव, जो अणु एक्टिव है वही उत्पाद बदलेंगे, जो अणु निष्क्रिय है मतलब उनके पास ऊर्जा नहीं है, सक्रिय ऊर्जा नहीं है तो उत्पाद भी नहीं बनेगा। तो जिनके पास ही ऊर्जा होगी उन्हें बोलते हैं सक्रिय अणु, मतलब वह अणु जिनके पास उत्पाद बदलने की आवश्यक एनर्जी होती है, मतलब जिसे बोलते हैं सक्रिय ऊर्जा होती है। आयतन में सक्रिय अणु की संख्या बढ़ जाती है, जिसे अणुओं के मध्य टक्कर टक्कर आवर्त का मान बढ़ जाता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतना ही जल्दी उत्पाद बनेगा और अधिक संख्या में उत्पाद बनेगा। तो संबंध क्या होगा, अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल टू दाब, मतलब दाब ज़्यादा तो वेग भी ज़्यादा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, दाब का प्रभाव, मतलब दाब बढ़ाने पर अभिकारक अणु पास पास आएंगे, दाब पर लगाने से तो जल्दी रिएक्शन होगी, उत्पाद जल्दी बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपन आगे डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है विकिरण प्रभाव। ठीक है, मतलब लाइट का इफेक्ट से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ रिएक्शन में ऊपर लिखा होता है एच म्यू डिनोट करता है ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा, और किसी अभिक्रिया में क्या होता है अंधेरा डार्क, मतलब कुछ अभिक्रिया अंधेरे में होती है और कुछ अभिक्रिया लाइट की प्रेजेंस में होती है। तो सिंपल सी बात है, जो अभिक्रिया लाइट की प्रेजेंस में होगी वह अभिक्रिया जल्दी कंप्लीट होगी, मतलब अभिक्रिया की दर ज़्यादा होगी, जल्दी उत्पाद बनेगा,
क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, अभिकारक अणु के मध्य जो बंध होता है वो जल्दी टूट जाता है, जबकि अगर लाइट की एब्सेंस है, लाइट की एब्सेंस में अभिकारक अणु के मध्य बंध नहीं टूटेगा, और जब तक बंध नहीं टूटेगा तो नया बंध नहीं बनेगा, मतलब उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। अपन आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, विकिरण का प्रभाव। अपन बोल सकते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति संभव होती है, धीमी गति से संपन्न होती है, परंतु सूर्य के प्रकाश की प्रजेंस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक अणु के मध्य बंध आसानी से टूट जाता है। बच्चों, आपको परफेक्ट का रीजन पता होना चाहिए ऐसा क्यों हो जाता है, तो क्योंकि अभिकारक अणु के मध्य बंध आसानी से टूट जाता है। देखो, जब प्रकाश की प्रजेंस होगी तो उसके ऊपर प्रकाश गिरेगा HU, और जैसे प्रकाश गिरेगा तो बंध ब्रेक होगा, और बंध ब्रेक होगा तो उत्पाद बनेगा। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है, विकिरण प्रभाव। कुछ रासायनिक अभिक्रिया धीमी गति से संपन्न होती है, परंतु अगर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिकारक के मध्य बंध आसानी से टूट जाता है। अब देखो, आपने देखा होगा H2+Cl2 या अभिक्रिया H2SCl। अगर इसके ऊपर प्रकाश नहीं है तो अभिक्रिया धीमी गति से होगी, अगर आप इसकी प्रकाश की प्रजेंस में संपन्न कर दो तो अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, पर आगे डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट है माध्यम की प्रकृति। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है आज का माध्यम की प्रकृति। अब माध्यम से बात करें, माध्यम की प्रकृति दो शक्ति है, ध्रुवीय है अध्रुवीय। अगर आप बात करो ध्रुवीय विलय की, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को आप ध्रुवीय विलय की प्रजेंस में करते हो तो क्या होता है, ध्रुवीय विलय क्या होता है, जो आयनों में टूट जाता है तो उसे क्या होगा, अभिकारक अणु उस ध्रुवीय विलय में अपने आयनों में आयनित हो जाएंगे, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और आयन संख्या बढ़ जाएगी और तुम जानते हो आयन विपरीत प्रकृति, विपरीत आवेश की प्रकृति के होते हैं, प्लस और माइनस, तो यदि आकर्षित होंगे तो क्या बन जाएगा, उत्पाद। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्रुवीय विलय की प्रजेंस में क्या होगा, अभिकारक अणु अपने आयनों में आयनित हो जाएंगे, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। लेकिन ये अभिक्रिया आप करो अध्रुवीय विलय की प्रजेंस में, अध्रुवीय विलय की प्रजेंस में तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग कम हो जाता है। हम बोल सकते हैं ध्रुवीय विलय की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ध्रुवीय विलय की उपस्थिति में अभिकारक अणु अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं, जिससे
पाइनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांचवा पॉइंट है, ध्रुवीय बलय की उपस्थिति में अभिकारक वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ध्रुवीय बलय की प्रेजेंस में अभिकारक अणु अपने आयनों में आयनित हो जाते हैं और जिससे आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और अभिक्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये अभिक्रिया आप करो अध्रुवीय बलय की प्रेजेंस में, अध्रुवीय बलय वो होते हैं जो अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ये अध्रुवीय बलय है, ये आयनों में आयनित नहीं होते, जबकि ध्रुवीय बलय H2O H+ और OH- माइनस। ठीक है, तो अगला पॉइंट पढ़ेंगे, छठा पॉइंट है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। आपके फ्रेंड्स नोट कर लिया आपने, आगे चलते हैं अपन। छठा पॉइंट है अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है सतही आवरण, सतही किनारा, किनारा कितना है। अब आप जानते हो जितना अभिकारक अणु का सरफेस ज्यादा होगा, जितना बड़ा अणु होगा, ठीक है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उस अणु का अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा होगी। इसे पर बोल सकते हैं किसी ठोस की तुलना में उसका पाउडर या चूर्ण अधिक उपयोगी होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्योंकि माना आपके पास कोई ठोस अवस्था में कोई अभिकारक है, माना तो ठोस अवस्था में अभिकारक, अब उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, लेकिन आप इसे क्रश कर दो, बारीक कर दो चूर्ण में, तो इसकी मात्रा फैल जाएगी और इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है किसी अभिकारक अणु का पृष्ठीय क्षेत्र जितना ज़्यादा होगा तो वह उत्पाद को उतना जल्दी ज़्यादा बदलेगा, अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका सतह क्षेत्रफल उतना अधिक होगा, अभिक्रिया दर बढ़ जाएगी। जैसे अगर बात करें एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा, एक लकड़ी का बड़ा टुकड़ा अपन जलाते हैं, या फिर अपन उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके बारीक टुकड़े जलाए, बताओ ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा, बड़ा लकड़ी टुकड़ा होगा या छोटा होगा। सीधी सी बात है, छोटा जो छोटा टुकड़ा है वो एक साथ पूरा जलेगा, फिर अपन उसको अंदर चूल्हे के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो बड़ा लकड़ी टुकड़ा होगा उसका एक सिरा जलेगा, बाकी बाहर रहेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना पृष्ठीय क्षेत्र ज़्यादा होगा अभिकारक अणु का, उतना ही अभिक्रिया वेग ज़्यादा होगा, मतलब जल्दी उत्पाद बनेगा, रिएक्शन की जो स्थान है, जो अभिक्रिया की जो जगह होगी वो ज़्यादा होगी, जिससे उत्पाद जल्दी बनेगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं अभिकारक अणु का पृष्ठीय क्षेत्र बढ़ने पर या जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया वेग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से अभिकारक अणु का सतही क्षेत्रफल मतलब बाहरी किनारा उतना ही अधिक हो जाता है, जिससे उत्पाद बनने की दर बढ़ जाती है। ठीक है, इस पॉइंट पर लिख नहीं रहा, आप खुद लिखोगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अभिकारक अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने से अभिकारक अणुओं का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे उत्पाद बनने की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब अपना अगला पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है, ताप, टेम्परेचर का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ध्यान सुनना इसको। अब ताप से आप बार बार समझ सकते हो, मैंने आपको पहले बताया विलयन चैप्टर में, ताप का प्रभाव हमेशा डिपेंड करता गतिज ऊर्जा, मतलब ताप बढ़ जाने से अभिक्रिया की अणु की अभिकारक अणु क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा, और जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी वो गति करेंगे, आपस में टक्कर होगी और क्या बन जाएगा बच्चों, उत्पाद। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। सिंपल बोल सकते हैं इसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अर्थात उत्पाद बनने की दर बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं का विद्युत द्रव्यमान बढ़ जाता है। देखो किसी रासायनिक
अभिक्रिया में का बढ़ाने पर उत्पाद बनने की दर अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ताप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी गति ऊर्जा, और जितनी ज्यादा गति ऊर्जा होगी अणु आपस में टक्कर करेंगे और क्या बना लेंगे उत्पाद। ठीक है, गति का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो संबंध क्या होगा अभिक्रिया वेग प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, जितना ज्यादा होगा वेग भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूँ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर उत्पाद बनने की दर या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणु की काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब एक पॉइंट पूछ लेते हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में आप ताप का मान एक साथ 10 डिग्री बढ़ा दो, मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो, 10 डिग्री या 10 केल्विन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को एक साथ 10 बढ़ा दो, मतलब पहले माना ताप था 300 केल्विन, अगर आपने कर दिया 310 केल्विन, तो अभिक्रिया का वेग जो बढ़ेगा जितना प्रभाव पड़ेगा वो होगा दुगुना या तिगुना, इतना मान बदल जाएगा अभिक्रिया के वेग का। ठीक है, तो ऊपर पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने, देखो किसी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन की उत्तर तो करने पड़ेगा, जिसे माना आपका डिग्री है 25 डिग्री, आप 35 कर दो। ठीक है, तो केल्विन में क्या करोगे तो उतना ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस 10 केल्विन किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब अब जब तापमान 10 डिग्री बढ़ा दोगे तो वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हमने आज डिस्कस किया फैक्टर इफेक्टिव ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिन्हें हमने पढ़ा था। पहला पॉइंट था हमारा अभिकारक की सांद्रता, सेकंड था उत्प्रेरक, थर्ड था दाब, फोर्थ था विकिरण प्रभाव, पांचवा था माध्यम की प्रकृति, छठा था अभिकारक पृष्ठ क्षेत्रफल और लास्ट है ताप। इनमें से आपको 2 पॉइंट ढंग से पढ़ने हैं, ताप और उत्प्रेरक, ये 2 प्रभाव है जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ताप और उत्प्रेरक। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगली क्लास में।